मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल SHO सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहा सुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पर बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 1/3/2021 को सासनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम नौजलपुर में अमरीश नामक व्यक्ति को गौरव शर्मा तथा उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाता है, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में परिजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर तहरीर दी जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।